इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताने यूपी से है, जहां दो अलग अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद दो परिवारों में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया है। संभल में बारातियों की बस को दूसरी बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 7 बारातियों के मौके पर ही जान चली गई। वहीं कासगंज में बारातियों से भरी इनोवा कार बैलेंस बिगड़ने की वजह से पेड़ से टकरा गई, जिसमें दूल्हा सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों हादसे उस वक्त हुए जब बारात लौट रही थी। संभल में हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क के किनारे खड़ी बारातियों की एक बस को पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को बचाया गया। बारातियों से भरी ये बस टायर पंचर होने के कारण सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आ रही दूसरी बस ने उसे रौंद दिया। बस के अंदर बैठे हुए 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कासगंज में जो इनोवा कार हादसे का शिकार हुई, उसमें दूल्हा और दुल्हन मौजूद थे। दूल्हा समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है। कासगंज के हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का आदेश दिया है। संभल के एसपी के मुताबिक हादसे में मारे गए सभी 7 लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। थाना बहजोई के अंतर्गत आज रात को 12 बजे के करीब बहजोई चनौसी राजमार्ग पर 2 प्राइवेट बसों में टक्कर हुई। इस दुर्घटना में अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है। वह 8 अन्य लोग जो घायल थे, उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और उनकी उपचार सीएससी बहजोई में चल रहा है। जो मृतक हैं, उनके शवों का पोस्टमार्टम व पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी मृतक ग्राम छपरा जनपद संभल के रहने वाले थे। ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे। रास्ते में बस का टायर पंचर होने के कारण बस एक किनारे खड़ी थी, इसमें पीछे से दूसरी बस के द्वारा टक्कर मारी गई, जिससे दुर्घटना हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।